हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास जो बॉक्स है वो है वेगा के तरफ से। तो ये आप समझ गए होंगे नाम से कि ये हेलमेट है और बाइक या स्कूटी चलाते टाइम सबको ये यूज़ करना ही चाहिए। तो इस साइड देख सकते हैं वेगा की ब्रांडिंग है, प्रोटेक्टिव गियर्स लिखा हुआ है और सिंस 1982, यहाँ देखिए सिंस 1982 से ये है वेगा। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया है, मॉडल नंबर दिया है वर्वो DM, कलर है ब्लू और प्राइस इसका है 1295। तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है हमको, आगे बात करेंगे कितना डिस्काउंट मिला है। इधर भी वेगा की ब्रांडिंग और इधर कुछ वेबसाइट वगैरह का नाम जो है वो दिया गया है। तो जो हेलमेट को हमने जो है बॉक्स से निकाल लिया है और जिस टाइप से पैकेजिंग में आती है ये जो क्लॉथ का है इसमें आता है। और हेलमेट जो फर्स्ट लुक है काफ़ी अच्छा है इसका, आप देखिए काफ़ी अच्छा लगता है इसको देखने में। जो मधुमक्खी होता है उस डिज़ाइन में इसको बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टाइप से लगा है और इसका जो वाइजर है वो भी कुछ इस टाइप से, 20 जो होते हैं मधुमक्खी जो होते हैं उस टाइप से डिज़ाइन में बनाया गया। तो सबसे फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको वाइजर नज़र आएगा और वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको स्कैन करना होगा और यहाँ से आपको वारंटी मिलेगा। तो आई थिंक 1 साल का यहाँ पे जो है वारंटी मिलता है आपको। और स्क्रैच रेजिस्टेंस वाइजर लिखा हुआ है लेकिन स्क्रैचेस जो हैं अगर आप सेफली यूज़ नहीं करेंगे तो स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं और इसको आपको निकालना होगा फर्स्ट यूज़ करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे जो है वेगा की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको दोनों साइड पे। और यहाँ पे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिया गया है ये जो है लॉक के लिए दिया गया है। अगर आप हेलमेट को अपने बाइक में रख के जाते हैं तो बाकी जो ये हाफ फेस हेलमेट में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसमें जो लॉक जो है अटैच कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। जो वायर वाले लॉक्स रहते हैं वो यहाँ पे आप ऐसे करके लगा सकते हैं। तो हेलमेट को आप अपने बाइक या स्कूटी में लगा सकते हैं। यहाँ पे वर्व लिखा हुआ है जो इस हेलमेट का नाम है और यहाँ पे वेगा की ब्रांडिंग दी गई है। और वेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 850 ग्राम है, तो लाइट वेट हेलमेट है और पूरा शाइनी है। और हल्का सा आप और थोड़ा गौर करेंगे तो हल्का सा आपको थोड़ा चमकीला टाइप से नज़र आएगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो है वाइजर इतना ऊपर हो जाता है तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। और यहाँ से ऐसे करेंगे तो कवर कर लेता है, पूरा नहीं फेस कवर करेगा, आपके आँख के थोड़ा नाक के आसपास जो कवर करेगा और यहाँ तक रहता तो और ज़्यादा बेटर रहता और ज़्यादा कवर करता। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेंट दिया गया है, अगर आपको इसको खोलना है, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसको खोल दें। तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा प्रॉपर ये कोई प्रैक्टिकल है लेकिन दिया गया है वेंट। बाकी इधर भी वेंट दिए गए हैं 2 ठो और वही आपका मधुमक्खी डिज़ाइन में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए प्राइसिंग जो है 1295 का लिखा गया है लेकिन हमको थोड़ा कम प्राइस में पड़ा है, तो मैं प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ कि कितना प्राइस में हमको पड़ा है। तो इस हेलमेट का हमको 1036 पड़ा है और इसको मैंने परचेस किया है डी मार्ट से, तो आप भी जाके डी मार्ट से परचेस कर सकते हैं। और बात की जाए इसकी पैडिंग की तो पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, यहाँ पे देखिए इतनी मोटी पैडिंग है लेकिन आप इसको दबाएंगे तो प्रेस हो जाता है पूरा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पैडिंग दी गई है। और अंदर का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग जो है फील होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी जो है स्ट्रांग जो है थर्माकोल जो इसमें है यूज़ हुआ है। बाकी आप इसको जो रिमूवेबल है यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और धोना चाहें तो आप धो सकते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ से आपका वेंटिलेशन का भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपके कान फिट होते हैं। और जो ये कट दिया गया है कान के लिए वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि अधिकतर हेलमेट में ये जो कट नहीं आता तो ज़्यादा देर तक पहनेंगे तो आपके जो कान में दर्द आ जाते हैं बाकी हेलमेट में, तो ये हेलमेट वैसा नहीं होगा, आपके कानों में जो है ये दर्द नहीं आएगा। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल, यहाँ पे भी पैडिंग जो दी गई है काफ़ी सॉफ्ट है तो कंफर्टेबल ये तो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ से आप जो मैं वारंटी यहाँ से आप एक्टिवेट ज़रूर कर लें ताकि इस हेलमेट में आपको जो है वारंटी मिल जाए। बाकी मैं इस हेलमेट को आपको पहन के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए, समझ में आए कि किस टाइप से ये इसका लुक आता है। तो ये कुछ आपको इस टाइप से फैला लेना हल्का सा और यहाँ पे जो है हेलमेट जो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया है। और यहाँ पे देखिए हेलमेट जो है वो टाइट ही होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए ताकि अगर एक्सीडेंट हो और गिरे तो
हेलमेट फेंका है ना, इसको भी टाइट कर लीजिए, और ये आपका पूरा हेलमेट जो है पूरा सेट हो गया है। यहाँ पे आप वाइजर लगा दीजिए, और इसको मैं निकाल देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से आपका जो है हेलमेट का लुक आता है। तो यहाँ देखिए, ये ऐसा बैक साइड से आएगा, ये ऐसा साइड से ऐसा लुक है, और इस साइड से जो है ऐसा लुक है। तो कंप्लीट ऐसा इस टाइप से आपको जो हेलमेट का लुक आएगा। ऊपर से ये वेंट दिया गया है, तो इसको आप बंद या चालू कर सकते हैं, और वाइजर को इस टाइप से आप ऊपर कर सकते हैं। और फिटिंग देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, यहाँ से भी पूरा फिट है, और यहाँ से भी पूरे जो है फिटिंग जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा हेलमेट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फुल फेस वाला जो आप हेलमेट होता है उसको ज़्यादा प्रिफर करें। बाकी जो गर्ल्स रहते हैं वो इस हेलमेट को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो ये हेलमेट भी ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वेगा की है, वेगा काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और हेलमेट जो है आप अच्छे क्वालिटी का ही लें, अच्छे कंपनी का ही लें। वेगा का ले सकते हैं, स्टड का ले सकते हैं, या स्टील बर्ड का भी ले सकते हैं आप।